भारत को श्रीलंका के खिलाफ खेली गई T20 सीरीज में 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद भी इस टीम की आलोचना नहीं हुई बल्कि तारीफ हुई। दरअसल दूसरे T20 मुकाबले से पहले भारतीय टीम के ऑलराउंडर कृणाल पांड्या के कोविड पॉजिटिव होने की वजह से मैच तय समय पर नहीं हो सका। इसके साथ ही पांड्या के अलावा 8 और खिलाड़ियों को मैच से बाहर कर दिया गया, यहाँ तक कि पूरी सीरीज से वो बाहर रहे। दूसरे T20 मैच में भारत के 5 खिलाड़ियों का डेब्यू हुआ था लेकिन मैच टीम इंडिया नहीं जीत पाई। तीसरे मुकाबले में भी भारत की कमजोर बल्लेबाजी की वजह से भारत को मैच में हार का सामना करना पड़ा और टीम इंडिया को सीरीज गंवानी पड़ी। वहीं पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज इंजमाम उल हक ने भारतीय टीम की जमकर तारीफ की। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इंजमाम ने कहा कि भारतीय टीम कोविड-19 से प्रभावित हुई थी। कृणाल के अलावा 8 खिलाड़ी उपलब्ध नहीं थे, उनके पास मैच छोड़ने का विकल्प था लेकिन उन्होंने मैच खेला। ये दिखाता है कि इस टीम को हार का डर नहीं। अगर आप हार से नहीं डरते तो जीत खुद चलकर आपके पास आती। उन्होंने उन खिलाड़ियों पर भरोसा किया जो उनके पास मौजूद। भुवनेश्वर कुमार ने नंबर 6 पर बल्लेबाजी की क्योंकि टीम में 5 बल्लेबाज ही मौजूद। उन्होंने आगे भी कहा कि भारतीय टीम इन दिनों काफी अच्छी क्रिकेट खेल रही है, वो मुश्किल से मुश्किल चुनौती का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार है। वो खिलाड़ियों के चोटिल होने के बाद इंग्लैंड में खिलाड़ियों को भेज रहे हैं। वो दूसरा T20 मैच हार जरूर गए और तीसरा भी हार गए लेकिन उन्होंने अच्छी टक्कर दी। इंजमाम ने इसका श्रेय कोच राहुल द्रविड़ को भी दिया। उन्होंने कहा कि मैं इस टीम की मेंटल स्ट्रेंथ का श्रेय राहुल द्रविड़ को देना चाहूंगा। खिलाड़ियों की तकनीक में सुधार एक बात है और खिलाड़ियों को मानसिक मजबूती प्रदान करना अलग बात। अगर किसी टीम में ऐसे खिलाड़ी हैं तो उन्हें हराना किसी भी टीम के लिए मुश्किल है। हार और जीत खेल का हिस्सा है लेकिन मैं कहूंगा कि खिलाड़ियों की कमी होने के बाद भी मैच खेलना एक साहसिक फैसला था। AFP न्यूज रूम की रिपोर्ट।